Bismillahirrahmanirrahim. मैं डॉक्टर शाहिद सरवर एसोसिएट प्रोफेसर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. आज मैं आपसे हेपेटाइटिस के हवाले से बातचीत करूंगा और इस बातचीत की अहमियत इस हवाले से अहम है कि आज से तीन दिन बाद 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और WHO ने सारी दुनिया में हर कंट्री को ये टारगेट दिया है कि बाई 2030 तक हेपेटाइटिस का इरेडिकेशन दुनिया में अचीव की जाए. अब इस सिलसिले में हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 7 से 10% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी से सफ़र कर रहे हैं और बदकिस्मती ये है कि इनमें से 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी बीमारी के बारे में जानते ही नहीं हैं और ये बीमारी अगर 15-20 साल उनके अंदर मौजूद रहती है तो फिर एक मरला ऐसा आ जाता है जहाँ जाके जिगर सिकुड़ने की कैफियत तारी हो जाती है, उस स्टेज पर कॉम्प्लिकेशन और बाज़ दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है. और एक ऐसा मामला जिससे हम प्रॉपर वक्त पे इलाज, वक्त पे तशखीस के से बच सकते हैं, उसको जाहिर है अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी टेस्टिंग बहुत आसान है, सिंपल टेस्ट अवेलेबल है. सिर्फ इशू ये है कि किस तरह से मुमकिन बनाया जाए कि वो तमाम लोग जिनको अपनी बीमारी का पता नहीं है उनको उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि वो अपने टेस्ट करवाएँ और इलाज करवाएँ. और उसके लिए जाहिर है हमें ये जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है ये कम्युनिटी के अंदर लेके जानी पड़ेगी. हाई रिस्क जो लोग हैं उनमें तशखीस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे IV ड्रग यूज़र्स हैं, ऐसे ग्रुप्स को जो है वो मैस लेवल पे स्क्रीन किया जाए. उसकी वजह यह है कि अब इलाज इसका बहुत आसान है. अब इलाज पिछले 4-5 साल से हम सब जानते हैं कि सिंपल एक टैबलेट है जो आपने 3 महीने के लिए इस्तेमाल करनी है और उसमें तकरीबन 99% लोग जो हैं वो इस वायरस से निजात हासिल कर लेते हैं. इवन हेपेटाइटिस बी में इलाज भी जो है वो टैबलेट्स पे है और वो टैबलेट ज़ाहिर आपको 1 से 2 साल इस्तेमाल करनी होती है और वहाँ भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स का इशू नहीं है और इलाज करना बहुत आसान है. लेकिन उस इलाज की अवेलेबिलिटी बनाई जाए और लोगों की तशखीस जल्दी की जाए और तमाम लोग जो हैं वो उस ट्रीटमेंट को करें ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इस बीमारी को अपनी कम्युनिटी में से निकाल सकें. क्योंकि इस तरफ तवज्जो ना देने का नतीजा फिर हम देखते हैं कि जिस तरह पोलियो में है कि सारी दुनिया से ख़त्म हो गया और हम अभी भी उसके साथ लड़ रहे हैं. सो मेरी आप सबसे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भी इसको तमाम लोग जो हैं वो इसको टेस्ट कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर करवाएं और जो डायग्नोज हो जाते हैं वो इलाज के हवाले से मत डरें. अपने करीबी हॉस्पिटल, अपने करीबी लिवर सेंटर में जाके वहाँ आपको ये ट्रीटमेंट मिल जाएगी. हुकूमत इस हवाले से मज़ीद इसमें ये इनोवेशन ला सकती है कि भी पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट शुरू करें, ऐसे कैंप्स लगाए जाएँ मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में, मुख्तलिफ़ जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ उधर ही टेस्ट किया जाए और उसी वक्त जो है वो 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट पेशेंट के हाथ में पकड़ा दी जाए. दुनिया इस तरह से इस मामले को डील कर रही है जिसके नतीजे में अब इसकी कवरेज अच्छी हो गई है, ज़्यादा लोग ट्रीट हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ चल पड़े हैं जहां हमें हेपेटाइटिस से निजात हासिल हो जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.